हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुसुम एक गरीब घराने से आई हुई लड़की होती है और थोड़ी सी सांवली भी होती है। उसकी शादी बिरला परिवार में गौतम से होती है। गौतम अब शादी के इतने समय बाद बोर हो गया होता है और वो कुसुम से दूरी बनाने लगता है। गौतम जी, आप आज ऑफिस के काम से बहुत थक गए होंगे ना? मैंने आपकी पसंद की अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है। For God's sake, अरे शांत रहो यार, जब देखो तब आ जाती हो अपने मनहूस शक्ल लेकर। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि माँ पापा ने मेरी कुंडली तुमसे मिलाई, वरना तुम जैसी बदसूरत और बेवकूफ लड़की से तो मैं बात तक न करूं। जाओ यहाँ से। गौतम की ये बात सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रसोई में चली जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। ससुराल में सास रेवती और ससुर कमलजीत भी कुसुम के संग बुरा बर्ताव करते हैं। रेवती और कमलजीत कुसुम से बहुत सारा काम कराते और सभी उस संग नौकरानी की तरह ही पेश आते हैं। बेचारी कुसुम किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। क्या करती बेचारी, गौतम के प्रेम में उसकी मीरा जो बन बैठी थी, वो विष का प्याला पीकर सारा दुख सहन कर लेती। एक दिन अचानक से गौतम काव्या नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर लाता है। दोनों के गले में वरमाला होती है। रेवती, कमलजीत और कुसुम ये दृश्य देखकर भौचक्का रह जाते हैं। गौतम, बेटा तूने ये क्या कर दिया? तूने दूसरी शादी कर ली? मैं और क्या करता माँ, मेरी कुंडली में लिखा था कि जो अनर्थ है वो कुसुम के आने से टल जाएगा, तो मैंने थोड़ी कुसुम से शादी तोड़ी है, मैंने बस एक लड़की से शादी कर ली है। ये काव्या है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे अकल के अंधे, कुसुम के अलावा तुझे किसी और से शादी करनी ही नहीं थी, अब तेरे सिर पर फिर से खतरा मंडराने लगेगा। ओ कम ऑन ससुर जी, ये कौन से जमाने की बातें आप कर रहे हैं? ये सारी अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, चिल कीजिए। कुसुम की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो रोते हुए गौतम से कहती है, गौतम जी क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी अर्धांगिनी मैं ही हूँ, ये नहीं। ओ जली हुई कॉफी की शक्ल वाली लड़की, चल हट यहाँ से, क्योंकि अब तेरी सौतन आ गई है और अब गौतम सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, समझ गई ना तू? हाँ कुसुम, मेरे कमरे से अपना सारा सामान बाहर निकाल लो, क्योंकि अब से काव्या उस कमरे में मेरे साथ रहेगी। ये सब सुनकर कुसुम को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए गौतम और उसके कमरे में से अपना सारा सामान निकाल लेती है और वो अब घर के आंगन में ही सोने लगती है। बहुत ठंड है यहाँ, मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। खैर, मेरे होने से ही गौतम जी की सुरक्षा होगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि मैं उनका कवच हूँ। हमारी कुंडलियाँ मिली हैं और गौतम जी पर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसे सिर्फ मैं ही मात दे सकती हूँ और उन्हें सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। अपने सुहाग को बचाने के लिए मैं हर वो संघर्ष करूँगी जो मुझे करना पड़ेगा। बहुत ठंडा है। कड़ाके की ठंड में कुसुम आंगन में कांपते हुए सोती है और अंदर कंबल ओढ़कर गौतम और काव्या एक साथ सोते हैं। अगले दिन से काव्या ही घर में सारा खाना बनाने लगती है। वो सबके लिए पिज्जा बनाती है। अरे वाह काव्या बहू, तुम तो कुसुम से भी अच्छा पिज्जा बनाती हो, मुझे तो ये पिज्जा बहुत पसंद आया। कमाल है, दिल खुश हो गया आज तो। वाओ, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। हाँ? क्या बेबी, क्या तुम गौतम की माँ हो हाँ? काव्या, जो उसे हर पल बेबी बेबी कहकर पुकारती रहती हो। नहीं सासू माँ, बेबी तो मैं गौतम को प्यार से बुलाती हूँ, आप नहीं समझेंगी क्योंकि आप पुराने जमाने की जो हो। काव्या धीरे धीरे घर में सबको अपने पास करने लगती है। वहीं कुसुम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। कुसुम अपना खाना खुद बनाया करती और सबके सोने के बाद में ही कुसुम अकेले में रात को अपना खाना बनाया करती। एक दिन गौतम और काव्या दोनों ही हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं। गौतम जी, वो आप संभल कर जाइएगा, शिमला में बहुत ठंड रहती है। स्वेटर, शॉल, मफलर, कान टोपी सब ले लिया है ना आपने? ओ माय डियर लवली सौतन, किस हक से तुम गौतम की फिक्र कर रही हो? गौतम अब मेरा पति है,
तुम्हारा नहीं, समझे तुम? तो प्लीज आइंदा से यू काली बिल्ली की तरह हम दोनों का रास्ता काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? गौतम और काव्या दोनों भी कार में बैठकर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। काव्या हनीमून पर भी गौतम का बहुत ज्यादा खर्चा करवाती है और हनीमून से लौटने के बाद भी वो रोज उससे कुछ न कुछ मांगती ही रहती है, जैसे सोना, तोहफे, महंगे कपड़े। ये सब देखकर कुसुम को दाल में कुछ काला लगता है। एक रात कुसुम जब अपना खाना बनाकर खा लेती है और बाहर आंगन में सोने जाती है, तभी वो देखती है कि रसोई की लाइट्स ऑन हो गई है। वो रसोई की खिड़की के पास जाती है। ये क्या, इतनी रात गए रसोई में कौन होगा? तभी कुसुम देखती है कि काव्या खाने में कुछ मिला रही है। अब ये बेहोशी की दवा मैं इस खाने में मिला देती हूँ, इसके चलते जब कल ये सब लोग खाना खाएंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे और फिर मैं यहाँ इन सब की जायदाद हड़प कर और तिजोरी के पैसे चुरा कर इस शहर से रफू चक्कर हो जाऊंगी। कुसुम काव्या की सारी बातें अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर अगले दिन जब काव्या सबको वो बेहोशी की दवा से मिलाया हुआ खाना परोसती है, तभी चलिए चलिए सब लोग खाना खाइए। अरे ये तो कल रात का ही पुलाव है, लेकिन ये हम फिर से खा रहे हैं, इसे तो मैंने कल रात को फ्रिज में रखा था। हाँ माँ जी, वो मैंने सोचा अब इतना सारा पुलाव बच गया है तो क्यों ना खा ही लिया जाए, क्यों खामखा वेस्ट करना। खाओ खाओ, मजे से खाओ और खा के फिर बेहोश हो जाओ ताकि मैं हाथ साफ करके यहाँ से निकल सकूं। रेवती के पहले ही कमलजीत और गौतम उस पुलाव को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये क्या, कमलजीत जी, गौतम बेटा, ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? हे भगवान, कुसुम बहू, काव्या, जल्दी बताओ तुम दोनों में से इस पुलाव में किसने क्या मिलाया है? कल जब मैं फ्रिज में पुलाव रख कर गई थी, हाँ, तब बताओ जल्दी से, तब तुम दोनों में से रसोड़े में कौन था? बोलो, वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, हाँ, कौन था? मैं नहीं थी सासू माँ, सुबह तो ये पुलाव फ्रिज के बाहर ही था और रात के समय कुसुम ही रसोड़े में खाना बनाती है। अभी दूध का दूध और पुलाव का पुलाव हो जाएगा। तभी वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है और गौतम और कमलजीत खड़े हो जाते हैं और कुसुम गौतम के गले लगती है। हाँ, इसका मतलब तुम सब ये नाटक कर रहे थे? कमलजीत जी ने बता दिया कि कुसुम ने उन्हें सारा सच सुबह सुबह कमरे के बाहर आने से पहले ही बता दिया था। कुसुम सबको वो वीडियो दिखाती है और इस तरह काव्या की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो काव्या थी, फ्रिज में से पुलाव निकाल दिया और उस पुलाव में कुछ मिला दिया। कुसुम, मुझे माफ कर दो, तुमने एक बार फिर से मेरी और हमारे परिवार की जान बचाई। कुसुम, तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस चोरनी को। इंस्पेक्टर काव्या को गिरफ्तार करते हैं और फिर पूरा परिवार खुशी से साथ साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।